हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ की हमारी पहली यूनिट चल रही थी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। उसका लास्ट टॉपिक आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट वी डिड अप टिल नाउ, हमने अब तक क्या कर लिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वॉट आर द स्पेसिफिक टर्म्स यूज इन दैट, एस ए क्यू एल एटसेट्रा, डाउनवर्ड एरो अपवर्ड एरो, एंड वी डिड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं, सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली थी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ओके, लास्ट टाइप की आपके पास बची है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो टेंथ के स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से पहली वाली वीडियो सुन लीजिए, और इसी के साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको टेंथ का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का पढ़ने में हेल्प हो जाए, और हेल्प नहीं, आई एश्योर कि आपको टेंथ के केमिस्ट्री के में तो कम से कम एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, मिस नहीं होगा, अगर आपने ध्यान से सारी वीडियोस देख ली और अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बना लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। तो हम शुरू करें, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बड़े सिंपल टर्म्स हैं ये दोनों, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक है तो दूसरा जरूर होगा। अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेट दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई, नहीं, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो 100% दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता, REDरिडक्शन का, OX ऑक्सीडेशन का, क्या कहा जाता उसे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। और बेटा डेफिनेट ऐसा होगा ही, क्योंकि एक सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग समझा रही हूँ आपको, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब आपको मैडम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हुई तो रिडॉक्स कहा, हमें यही नहीं पता रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, पहले तो चलिए तो हम सुनते हैं रिडक्शन क्या है, सिंपल से एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम, बड़े आसान ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। भाई ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक से सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सब्सटेंस में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का, कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन का ही, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये ऑक्सीडेशन का मीनिंग बता रही हूं मैं आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन से, ऑक्सीजन तो है ही, नाइट्रोजन ले सकते हैं हम, सल्फर ले सकते हैं, हेलोजन ले सकते हैं, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया बेटा, ये किसके टर्म में था, ऑक्सीजन के टर्म्स में, ध्यान से सुनिए, किसके टर्म में था, ऑक्सीजन के टर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोजन के टर्म में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एडिशन ऑक्सीजन का है तो रिमूवल का, हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। किसी एलिमेंट में दूसरा हाइड्रो, सॉरी, किसी एलिमेंट में रिएक्शन में हाइड्रोजन एड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है,
ये सॉरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है बेटा, बोलिए रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन बताया, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ऑक्सीजन और मेनली हाइड्रोजन के टर्म्स में बताया है, क्या कहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे टेंथ में इतना ही काफी है बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से, तो समझना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, बट ये दूसरे टर्म्स में भी समझ लेते हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन या किसी और दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ तो भी ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का रिमूवल या बाकी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ बेटा, रिमूवल हुआ तो भी ऑक्सीडेशन ही हुआ, ओके। और एक और है आपके पास टर्म, ठीक है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन के लिए, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके टर्म्स में भाई, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डेफिनेशन सुनना, ये नया डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए आपको ये नया डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। तो ये समझ में आया आपको डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बेटा रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, क्या भाई, इसकी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब बिल्कुल इसकी अपोजिट, इसमें जो एडिशन है रिडक्शन में रिमूवल बन जाएगा। देखिए इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसके डेफिनेशन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, या फिर रिमूवल मतलब लॉस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, ईएन लिखा है मैंने शॉर्ट में, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। यानी वहां पर जो एडिशन था यहां पर क्या हो गया बेटा, रिमूवल हो गया, इसलिए मैंने कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है बताइए, रिडक्शन है, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म्स में। या फिर ऑक्सीजन नहीं तो क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को देख लीजिए, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है उनका, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। चलिए सेकेंड डेफिनेशन हम देंगे हाइड्रोजन के टर्म्स में, मैं फिर से आपको कहती हूँ ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन रिडक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट है, इसमें जो एडिशन इसमें रिमूवल, इसमें जो रिमूवल इसमें एडिशन, ठीक है। तो देखिए रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, का एडिशन हो रहा है तो भी आप क्या कहोगे, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। चलिए तीसरा डेफिनेशन हमारा किसके टर्म्स में था, तीसरा डेफिनेशन में रिडॉक्स रिएक्शन निकाल देते हैं, यहां पे लिखते हैं
तीसरा डेफिनेशन रिडक्शन का था, किसके टर्म्स में? बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिखेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कहा जाता है इलेक्ट्रोनेशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। मैंने तीन टर्म्स में बताया आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। चलिए अब मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। ये सिर्फ डेफिनेशन थे, उसके बाद में बहुत सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। ऑक्सीडेशन ये देखेंगे उसमें किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए तो एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अब मैं पूछती हूँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। बेटा अगर आपको एक चीज का समझ में आ जाए ना, दो एलिमेंट है कि एक इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो डेफिनेट है दूसरे का क्या हुआ होगा, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे, क्योंकि ये श्योर है कि एक रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का श्योर रिडक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास है मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बना, आपको उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो लेना देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लेना देना। यहां मैंने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के टर्म्स में दे दिया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो क्या हुआ बताइए, मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ क्लोरीन हुआ। एडिशन ऑफ क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ओके बेटा। भी क्या है, हैलोजन क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बनना मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ओके। चलिए अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ध्यान से सुनना, यहां लिखती हूं, क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड बना, इसका मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल ले लिया। क्या हुआ बेटा इसमें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है भाई, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही तो होती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन क्लोरीन, क्लोरीन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ, एडिशन हुआ। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। यानी कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ, रिडक्शन। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, किस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो बताइए मैग्नीशियम अंडरगो ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम में क्लोरीन एड हुई है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। और क्लोरीन में मैग्नीशियम ऐड हुआ है मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, इससे क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लोरीन अंडरगो रिडक्शन, ठीक है बेटा। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही रिएक्शन हो जाए, डेफिनेट है दोनों ही होगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा आप पैसे दे रहे हो,
दे रहे हो तो कोई लेने वाला होगा, उसी को तो दोगे। यानी लूजर भी होना चाहिए और गेन वाला भी होना चाहिए। तो इसी तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो कोई गेन तो करे, समझ में आया। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीड रिडक्शन दोनों होगा, एक ने वो चीज लॉस की है तो दूसरा पक्का वो चीज क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सुनिए, कॉपर मेटल, ब्राउन कलर की मेटल, ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में दे रखी है, और मैं इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करती हूं। ऑक्सीजन के साथ हीट करने से ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है कि चाइना डिश लीजिए। चाइना डिश में हमने क्या किया, कॉपर का पाउडर ले लिया भाई। कॉपर शाइनी ब्राउन कलर की मेटल है। ठीक है, ये देखो शाइनी ब्राउन कलर की मेटल। ठीक है, ये मेटल है, ये कॉपर है। इसको मैंने क्या किया, एयर में हीट कर दिया। यहाँ क्या लगा दिया भाई, ये ट्राइपोड स्टैंड रख दिया। ट्राइपोड स्टैंड के नीचे बर्नर लगा दिया और एयर में इसे हीट कर दिया। जब एयर में मैंने इसे हीट किया तो ये देखेंगे कि ये पाउडर जो था कॉपर का, ये ब्लैकिश पाउडर में टर्न हो जाता है। पहले ब्राउन कलर की बिल्कुल चमकने वाली मेटल थी, और थोड़े समय के बाद जब हमने इसे देखा तो हमने ये देखा कि ये किसमें टर्न होगी, ब्लैकिश कलर के पाउडर में टर्न हो गई। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो सॉलिड है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ब्राउन, मेटलिक ब्राउन हीट किया, ये बन गया ब्लैक सॉलिड, ब्लैक कलर का सॉलिड कॉपर ऑक्साइड का है। तो मेरा क्वेश्चन सुनना, इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ, सिर्फ कॉपर का पूछा आपसे। डेफिनेट है जो कॉपर का हुआ उसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सीजन का हुआ होगा। इज इट क्लियर, कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का समझाइए मुझे। तो बेटा कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गया आपके सामने, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गई है। ये ऑक्साइड बनने में किसका गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बोलो, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, इसका मतलब इस रिएक्शन में कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई आपको ये एक्टिविटी? ठीक है, चलिए इसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। हम लोग सिर्फ इस डेफिनेशन पे स्टिक नहीं होंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आ जाए, नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेते हैं आपके पास। अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करा दूं, ये कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक कलर का पाउडर, इससे मैंने इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दी। ठीक है, ब्लैक कलर का पाउडर है, हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो हम देखेंगे ये रिएक्शन में फिर से ब्राउन कलर की मेटल बन जाएगी प्लस वॉटर। इज इट क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि कॉपर का क्या हुआ और कॉपर का क्या हुआ इसमें। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है, डेफिनेट है, अगर एक ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कॉपर का बता दो आप, कॉपर ऑक्साइड से, देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, रिमोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमोल हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं भाई,
रिडक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, कॉपर अंडरगो रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हुआ। चलो आपको मैंने दूसरा भी समझाओ हमें, हाइड्रोजन का क्या हुआ। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, देखिए हाइड्रोजन में हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन से वाटर बन गया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन अंडरगो ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह से हम रिएक्शन को देखकर पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन के टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में, इलेक्ट्रो निगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के टर्म्स में। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। तो अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, आपको कहा जाता है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हो गया। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ मिक्स किया तो जिंक बना प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, स्टेट नहीं लिखी मैंने, सॉलिड, कार्बन भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप मुझे बताइए जिंक का क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। बोलो डेफिनेशन लिखा है किसका रिडक्शन, जिंक का, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया तो जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए क्या हुआ इसमें, बोलो इसमें हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्लियर है? तो क्या करें, मैं रिएक्शन को देखकर ये पहचानना सीखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ये है आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, बन गया मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, MnCl2 प्लस वाटर और प्लस आपके पास टू वॉटर्स, ओके प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। ठीक से देखिएगा, यहां पर HCl से क्लोरीन बना, ध्यान से सुना, HCl से क्लोरीन, HCl से क्लोरीन का मतलब बोलो क्लोरीन में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कितनी इजी बात है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, वही डेफिनेशन में लिखा रखा है। तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, HCl से क्लोरीन बन गया तो क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्लोरीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आया? आगे देखिए, हम देखते हैं MnO2 से मैग्नीज क्लोराइड बन गया, भाई ऑक्सीजन का क्या हुआ, ध्यान से देखो, या हाइड्रोजन का लॉस हुआ या ऑक्सीजन का हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड, ऑक्सीजन गया ना, ऑक्सीजन का मैग्नीज से क्या हो गया, लॉस हो गया ना, हाँ या नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, और ऑक्सीजन का लॉस क्या होता है, रिडक्शन।
क्या होता है? रिडक्शन। ओके, यानी इस रिएक्शन में मैग्नीज अंडरगो रिडक्शन, मैग्नीज का हो गया रिडक्शन और क्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने किसके टर्म्स में समझाया आपको? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम डेली लाइफ में कहां कहां यूज करते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने करोजन सुना है? करोजन, करोजन ऑफ मैटर, यहां से सुना करोजन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है व्हाट इज करोजन। आप नया मेटल का एक आर्टिकल खरीद के लाते हो, कॉपर की मेटल का, ब्राउन कलर की बिल्कुल चमचमाती मेटल है, थोड़े दिनों के बाद उसके ऊपर ब्लैकिश ग्रीन कलर की एक लेयर सी बन जाती है, वो मेटल का हो गया करोजन। लोहे की एक चीज खरीद के लाते हो, ब्लैकिश ग्रेश कलर का आयरन है और धीरे 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 उसके ऊपर ब्राउन कलर की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो वो है करोजन। मेटल का करोजन हो रहा है, लॉस हो गया। चांदी की चीज खरीद के लाते हो, चांदी का कोई ऑर्नामेंट लाते हो सिल्वर का, और धीरे धीरे वो ब्लैकिश हो जाता है, यानी सिल्वर का हो रहा है करोजन। तो करोजन का मतलब क्या है? द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एयर, एयर में जो भी गैसेस हैं, विथ गैसेस इन द एयर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, विद द मॉइस्चर एंड विद द एसिड्स प्रेजेंट इन द एयर। मतलब एयर में जो गैसेस हैं या मॉइस्चर है या एसिड्स है, उनके साथ रिएक्शन करके मेटल, मेटल एक डिफरेंट अपने ऑक्साइड में, अपने कार्बोनेट में, अपने सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं मेटल का करोजन। मेटल का क्या हो रहा है? रस्टिंग। आयरन, जैसे आयरन के ऊपर जंग लगता है तो उसे कहते हैं आयरन की रस्टिंग हो गई है। आयरन की रस्टिंग एक स्पेसिफिक वर्ड है सिर्फ आयरन की करोजन के लिए, बाकी सब मेटल का हम क्या कहेंगे? सिंपली करोजन हो रहा है, और आयरन की करोजन को हम वर्ड देते हैं रस्टिंग। इज इट क्लियर? तो जब भी किसी मेटल का करोजन होता है, जैसे कि आयरन की रस्टिंग होती है, तो वो मेटल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उसमें डेफिनेट है मेटल का ऑक्सीडेशन ही होता है। मेटल अपने कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है, सल्फाइड में कन्वर्ट होती है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन ही होता है। क्या होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन। तो ये एक एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमारे डेली लाइफ में। हम देखते हैं कि बहुत सारी मेटल का, मतलब करोजन की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, करोजन की वजह से, पता है करोजन की वजह से डेली जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो मिलियंस ऑफ रुपीज का जो लॉस है वो करोजन की वजह से हो रहा है। कैसे? मिलियंस ऑफ रुपीज का लॉस जो है वो करोजन की वजह से हो रहा है डेली, क्योंकि अगर मेटल का करोजन हो जाता है, आयरन का करोजन हो जाता है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है, यानी क्या हो जाता है? आयरन की बची बनी हुई चीजें जो है वो कमजोर हो जाती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। धीरे 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 आयरन का करोजन होते रहता है। ठीक है, अगर उनका सही मेंटेनेंस नहीं किया गया तो उसमें जो आयरन लगा उसका करोजन होता रहेगा और क्या हो जाएगा? ब्रिज बिल्कुल वीक हो जाएगा और एक दिन आके टूट जाएगा, बिल्डिंगे गिर जाती है। तो करोजन की वजह से कितनी सारी बिल्डिंगे गिर जाती है, ब्रिज गिर जाती है, शिप्स वगैरह हैं उनमें भी क्या हो जाता है? आयरन लगा होता है, उसका करोजन हो जाता है, तो वो पार्ट क्या है? खराब हो जाता है, शिप्स खराब हो जाती हैं। ये सब किसकी वजह से? मशीन में जो मेटल का पार्ट लगा है, अगर हम उसका सही मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या होगा? उस मशीन का जो प्रोडक्शन पावर था वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। मशीन पहले जितना प्रोडक्शन इफिशियंटली देती थी उतना प्रोडक्शन अब नहीं देगी, क्योंकि वो जो मेटल का पार्ट उसमें लगा है वो करोजन, उसका करोजन हो गया है। आगे बात समझ में?
तो हम ये कहते हैं कि करोजन मेटल का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन ये है, चलो पहले मैं आपको कुछ करोजन के एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ करोजन से हमें मेटल को कैसे बचाना चाहिए, कौन से मेथड है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं टू प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम द करोजन। ओके, तो चलिए पहले करोजन ऑफ मेटल के हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें। करोजन का डेफिनेशन समझ में आया? करोजन का डेफिनेशन है द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ गैसेस इन एयर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा एंड मॉइस्चर एसिड्स एटसेट्रा टू फॉर्म ऑक्साइड टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स ओके इज कॉल्ड एज करोजन। मेटल की एयर की गैसेस के साथ रिएक्शन, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन, गैसेस में एयर में थोड़ी बहुत एसिड का अमाउंट है उसके साथ रिएक्शन करके जो भी सराउंडिंग में, ऐसा नहीं एयर में, सराउंडिंग में जहां पर मेटल रखी है, सराउंडिंग में जो थोड़ा बहुत एसिड होता है उसके साथ भी रिएक्शन करके ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड में जो मेटल कन्वर्ट हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग मेटल का करोजन हो गया। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जंग लग जाता है, जब आयरन पे जंग लगता है तो आयरन कन्वर्ट हो जाती है Fe2O3x वाटर मोल में। ये फॉर्मूला है रस्ट का। आप मुझे बताइए आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रही है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब किसका गेन हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी आयरन से जब रस्ट बनती है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा मैंने कहा कॉपर की नई चीज आप खरीद के लाते हो, कॉपर मेटल, ठीक है, और वो नई चीज थोड़े दिनों में ब्लैकिश ग्रीन कलर की उसमें लेयर बन जाती है, तो कॉपर के आर्टिकल पर जो ग्रीनिश कलर की लेयर बनती है वो बनती है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड के वजह से। तो कॉपर का जब करोजन होता है तो कॉपर का कन्वर्जन इसमें होता है, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। बेसिक इसलिए क्योंकि इसमें बेस प्रेजेंट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, कॉपर से बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। और आप देखोगे इसमें कॉपर का क्या हुआ, अभी ऑक्सीडेशन हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास और कौन सा एग्जांपल हो गए? आप सिल्वर का लियो। सिल्वर मेटल का कोई आर्टिकल खरीद के लाते हो, हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या H2S गैस है उसके साथ रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो सिल्वर से सिल्वर सल्फाइड बन गया, मतलब गेन ऑफ सल्फर हो गया, गेन ऑफ सल्फर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया, इसका मतलब सिल्वर का हो गया ऑक्सीडेशन। वो जो ब्लैक कलर की लेयर होती है सिल्वर के ऊपर वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। कहने का मीनिंग ये हुआ जब भी किसी मेटल का क्या हो रहा है, करोजन हो रहा है, वो चाहे कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रही है ऑक्साइड में या सिल्वर सल्फाइड में, ये श्योर है कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है जब मेटल का करोजन होता है तब। ओके, आपको मैंने बताया किस तरह से हमारे डेली लाइफ में करोजन ऑफ मेटल जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। करोजन ऑफ मेटल से बिल्डिंगे ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, शिप के कई पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मशीनरी का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि उसमें जो मेटल के पार्ट है उनका करोजन हो गया। तो अब हम क्या करें, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट करोजन, बताइए करोजन को प्रिवेंट कैसे करें। करोजन तो हो रहा है, अब उसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भी
सेंटर है, ओके, और ये आपके पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में वही गैसेस हैं, मॉइस्चर है, सब कुछ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। आप क्या कर दीजिए कि किसी भी तरह से मैटर और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैरियर लगा दीजिए, एक बैरियर। ये बैरियर जब तक मेटल के ऊपर रहेगा तब तक ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो मेटल का करोजन नहीं होगा। बस लॉजिक यही है प्रिवेंट करने का मेटल को करोजन से। अब ये बैरियर कैसे लगाया जा सकता है? बाय यूजिंग पेंट। अगर आयरन के ऊपर आप पेंट लगा दो तो बैरियर ही तो लगा दिया, पेंट लगा दिया तो बैरियर लगा दिया, तो वो मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं जाएगी और करोजन नहीं होगा। तो आपने पेंट लगा दिया, पेंट करते हैं आप मेटल आर्टिकल को इसलिए कि उनका करोजन ना हो, ठीक है। बाय यूजिंग ऑयल और ग्रीस, आप ऑयल और ग्रीस की भी लेयर लगा दो, उसका भी काम यही है, बैरियर का काम करेगा। ऑयल जो है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में मेटल को नहीं आने देगा, यानी करोजन नहीं होने देगा, सिंपल सी बात। तीसरी आपके पास है बाय गैल्वेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? ठीक है, इसको अगले यूनिट में और अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ थोड़ा सा समझ लो गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है टू कवर मेटल विथ अनदर मेटल विथ अनदर हाईली रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन, ठीक है, करोजन, इसको करोजन से प्रिवेंट करने के लिए। आगे बात समझ में? चलिए, ये हो गया आपके पास करोजन, ठीक है। मेटल के करोजन भी एक मेटल का ऑक्सीडेशन ही है, करोजन में मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। आपने बहुत सारे टाइप की करोजन देखे, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा, कॉपर का करोजन, सिल्वर का, और आपने ये देखा करोजन को प्रिवेंट कैसे करना चाहिए। और सेकेंड एप्लीकेशन हमारे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दिखाई देता है वो है आपके पास रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है देखिए आप, रेंसिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा है। प्रोसेस्ड फूड में और जिन फूड में ऑयल और फैट होता है, अगर उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख दो तो इसमें एक पर्टिकुलर की स्मेल आने लगती है, पर्टिकुलर स्मेल, और वो फूड जो है आर्टिकल स्पॉइल हो जाता है, उसे इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। वो होता है क्योंकि उसमें जो फैट और ऑयल है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, आ गया ना नाम ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ड्यू टू दिस स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल, टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल गेट चेंज्ड, इससे स्मेल भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो फैट और ऑयल था उसका क्या हो गया है, बोलो, ऑक्सीडेशन। तो रेंसिडिटी रीजन तो लिखाई नहीं क्यों हुआ, रेंसिडिटी का मतलब लिखा मैंने तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल प्रेजेंट इन फूड आर्टिकल, ठीक है। उस फूड में जो ऑयल और फैट था उसकी ऑक्सीडेशन से क्या हो गया है भाई,
उसमें स्मेल आने लगी एक टाइप की और उसका टेस्ट भी चेंज हो गया है। इस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी में किसका रोल आ गया भाई? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ओके चलिए अब आपके पास है हाउ टू प्रिवेंट, इसे लिखिए ना डेफिनेशन को भाई, पॉज करके वीडियो को। रेंसिडिटी क्या है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ओके सो हाउ टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, क्या मेथड्स हैं कि हम फूड आर्टिकल का क्या नहीं होने दें, उसमें ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन ना होने दें। ऐसा तो है नहीं कि हमने परमानेंटली उसे स्टॉप कर दिया, बट कुछ समय के लिए हम लोग उसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। ओके सो पहला है आपके पास पैक फूड इन एयर टाइट कंटेनर। भी एयर टाइट कंटेनर में जब आप फूड को पैक करोगे तो वो फूड जो है वो सराउंडिंग मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं होगा तो उसमें ऑयल और फैट का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग पैक्ड चिप्स की पैकेट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक गैस भरी हुई है ना। उसको पैकेट को खोलते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है। पैकेट दिखने में इतना बड़ा होता है और चिप्स उसमें थोड़ी सी होती है, उसमें गैस भर देते हैं। अब कहते हैं कैसे भर दी होगी उसने गैस, नहीं ऐसे नहीं भरी, वो गैस नाइट्रोजन गैस है। वो इसलिए भरी है कि आपके जो चिप्स में ऑयल और फैट है उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इज इट क्लियर? तो आपके पास नाइट्रोजन गैस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना चिप्स और कुरकुरे के पैकेट आप खाते हो कि नहीं, ठीक है खाते तो हो गए, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। किसने भरी होती है, रेंसिडिटी को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि जो प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हो उसमें जो फैट और ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन ना हुआ हो। अगर ऑक्सीडेशन हो गया हो तो खराब हो जाएगा। ठीक है और थर्ड है आपके पास बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे नाम है BHT और BHA। मैं आपको इनका फुल फॉर्म बताती हूँ, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी टोलुइन, ओके और ब्यूटिलेटेड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसो, हाइड्रोक्सी एनिसो, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये फूड आर्टिकल में डाल दिए जाते हैं, ये केमिकल्स है फूड आर्टिकल में डाल दिए जाते हैं, तो ये लंबे समय तक उस फूड आर्टिकल में जो ऑयल और फैट है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। BHT एंड BHA दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग सिंपल मेथड फॉलो करके रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस फूड में जो ऑयल और फैट है उसके ऑक्सीडेशन को बचा सकते हैं। आई होप मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत अच्छे से समझा दिया है। मैंने इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करवाया है, सिर्फ हाइड्रोजन जो 10th के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, 10th के लिए जरूरी है, वही करवाया है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम 11th और 12th में करेंगे, या इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर कोई बात में डाउट हो जाता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके दोबारा सुनिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसे जरूर कॉपी करना, और आई एश्योर कि आपको आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस टुडे वी आर एंडिंग विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ 10th, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो इससे पहले आप चैनल को क्या करना है, एज यूजुअल आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वही वीडियो को सबके साथ शेयर भी करना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।